खरगोन जिले के बेड़िया में प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल का अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक महकमे को स्कूल संचालक की नोकझोंक हो गई और वह बेहोश हो गया, जिसमें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं घटना को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हम आपको बता दें कि प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा, जहां हुए विवाद के बाद स्कूल संचालक सुरेंद्र शुक्ला को अस्पताल लाया गया। इस दौरान घायल के परिजन ने मारपीट का आरोप लगाया, जबकि तहसीलदार ने बताया कि डायरेक्टर कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहा था, जिसे मौके से हटाया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जनहित में सुविधा को देखते हुए यहाँ अतिक्रमण जो किया गया था, उनको हमने नोटिस भी दिया था, कई बार समझाया भी था, अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था, लेकिन इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, कई बार समझाने के बाद भी नहीं हटाया। तो आज मैं पुलिस बल एवं किसी के अधिकारियों के साथ मौके पर आके अतिक्रमण हटाया गया है, जिसमें स्कूल संचालक द्वारा शासकीय कार्य रोकने का प्रयास किया और बाधा उत्पन्न किया और गाड़ी को रोकने के आ गया था। सर के द्वारा रोका गया, लेकिन रोकने पे सर के ऊपर वार किया गया, सर को घसीट के मारा गया, और जब सर बेहोश हो गए, जब उनके परिवार के लोग बचाने के लिए आए, तो उन्हें भी सर थोड़ा सा ताड़ित किया गया उनके ऊपर भी। और जो तहसीलदार साहब थे सर, उन्होंने कहा कि सर बहाने कर रहे हैं, सर अगर कुछ लाभ हानि होती है शुक्ला जी को तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और एक कोई पुलिस अफसर थे, TI साहब बाथम सर थे, सर उन्होंने तो लेडीजों पे भी हाथ उठाया है। ये बहुत ऊपर भी कई कोर्ट है, तहसीलदार के ऊपर भी। अतिक्रमण के लिए भी आपको सुनना पड़ेगा सर, अतिक्रमण मैंने नहीं किया है, पुराने जमाने में है, उसके लिए भी सुनना पड़ेगा आपको। सुनिए, सरकारी जमीन पर हाँ तो हाँ करा है, मैं मान रहा हूँ, उसके लिए भी सुनना पड़ेगा पहले सरकार को, सरकार और प्रशासन सुनेगा, उसके बाद फिर आप हटा सकते हैं। ऐसा थोड़ी क्या हटा देंगे, अपने मन से थोड़ी हटा देंगे कि रात में आ गए और किसी कारण तोड़ने लगे, बोले हटा दिया हमने, ऐसा नहीं है। 6 महीने में दिसंबर का ऑर्डर है, दिसंबर का मैं टूटवा दूंगा, मेरे पास अभी आगे है ना, मैंने कब ऑर्डर दिया तहसीलदार को, तोड़ो ना, वो खुद का ऑर्डर है, झूठ बोलने का बड़ा वाला तहसीलदार को, 6 महीने का तहसीलदार से पूछो तुम्हारे क्या ऑर्डर कर दिया उसने मेरे को, ऐसे कैसे तोड़वा देंगे आप मेरे को, आपने 6 महीने पहले दिया तो निकालो भाई, यहाँ पे धरा सब जन, यहाँ पे आओ नहीं तो तुम्हारी भी टूटेगी बेटा, अरे यहाँ पे आओ, ऐसे कैसे जाने दे रहे, यहाँ पे आओ सब जन, आ जाओ सब जन, यहाँ पे आओ, हम आ जाएंगे, हाँ यहाँ पे तहसीलदार का आदेश का बहुत बड़ा फरमान थोड़ी हो गया, तहसीलदार के ऊपर भी कई कोर्ट है, कई आदेश है, हाँ बुलाओ गाड़ी, उठाओ हमको यहाँ से, अभी बच्चे अपने कहाँ से ऊपर जाएंगे, बच्चे कहाँ से परीक्षा देंगे, सुनोगे हो गया, दे दिए होंगे 40-50 हजार ठेकेदार ने, बस आ गया गवर्नमेंट, यहाँ तोड़ने आ गया, जरा दूसरी जगह तोड़ के तो देखो, अकल ठिकाने आ जाएगी, घर बैठ जाओगे, अरे वो तो घुसेंगे गांव में, घुसेंगे ना गांव में, भी घुसाएंगे, पर गांव में नहीं घुसाएंगे तो घर बिठा देंगे, ये भी सुन लेना, 3 दिसंबर को ऑर्डर दे रहे हो मेरे को, 7 दिसंबर को फैसला दे रहे हो, 45 दिन की नियम है, उसमें 45 दिन के बीच आप सरकारी नियम में नहीं तोड़ सकते हो, आदेश है 45 दिन का, धारा 12 के तहत अंदर करवा दूंगा मैं, हाँ अतिक्रमण तोड़ने का भी नियम है, ऐसा थोड़ी कि कोई नियम नहीं है, नियम है उसका भी, धारा 12 के अंदर का सुनना पड़ेगा, SDM को सुनना पड़ेगा, कलेक्टर को सुनना पड़ेगा, 45 दिन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।